नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 में और मैं हूं आपके साथ मोनिका। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अतरासी मार्ग पर दो कार और एक बाइक की टक्कर में गांव हाकमपुर के प्रधान विशाल चौधरी सहित चार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर घायल अवस्था में हायर सेंटर रेफर किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। बता दें कि यह दिल दहला देने वाला हादसा अमरोहा जनपद के अमरोहा देहाता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अतरासी मार्ग पर बीती शनिवार रात को हुआ। इसके बारे में अमरोहा जनपद के जिलाधिकारी राजेश त्यागी ने जानकारी देते हुए तीन लोगों की हादसे में मौत की पुष्टि की थी, लेकिन उनके कुछ देर के बाद ही अमरोहा जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार सिंह की हादसे में दो कार, एक क्रेटा, एक आर्टिका और एक बाइक की टक्कर हुई है, जिसमें गांव हाकमपुर के प्रधान विशाल चौधरी सहित चार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर घायल अवस्था में हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसे में मरने वाले राजन और विशाल चौधरी और अमित कुमार की पहचान हुई है, जबकि अन्य एक युवक की पहचान नहीं हुई है। हादसे में अंकित चौधरी नाम का एक युवक भी घायल हुआ है, जिसको गंभीर अवस्था में हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। जनपद अमरोहा में अतरासी के पास एक वाहन क्रेटा और एक बाइक के बीच टक्कर होने से तीन लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें एक बाकी दो घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है और बाकी चीज़ों की जानकारी की जा रही है। दो लोग चिन्हित हैं और बाकी को चिन्हित करने की जानकारी। आज अतरासी रोड पर 9 बजे के करीब एक क्रेटा कार और बाइक सवार में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें चार लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। शांति व्यवस्था की स्थिति कायम है और पुलिस विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा आज शाहजहांपुर पहुंचे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। आइए देखें ये रिपोर्ट। इस अवसर पर यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी रहे मौजूद। शहर के मोहल्ला तारीन टिकली की रहने वाली लॉन टेनिस खिलाड़ी कुमारी महिका खन्ना को यूपी के ऊर्जा मंत्री ने जनपद रत्न से किया सम्मानित। कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि जनता उन्हें रिजेक्ट कर चुकी है। अब तक वह यूपी से बाहर कभी भी भाग कर जाएंगे तो वहां भी रिजेक्ट ही होंगे। जब माल खराब है तो बाजार बदलने से क्या फायदा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि किसानों को लाभ देने के लिए वह किसानों के नलकूपों को सोलर युक्त बना रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि बिजली विभाग के द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए इस समय एक मुश्त समाधान योजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना 31 दिसंबर तक ही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बिजली उपभोक्ता इस योजना का लाभ जरूर लें। उन्होंने कहा कि इस योजना में ऐसे लोगों को भी लाभ मिल रहा है जिन पर बिजली चोरी के मुकदमे लिखे जा चुके हैं। है कि क्या लगता है आपको? जनता ने उसको उनको रिजेक्ट कर दिया है, तो कहीं भी भाग के जाएंगे वहाँ रिजेक्ट ही होंगे। जब माल खराब है तो बाजार से क्या होना, बाजार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। संबल पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत के दिशा निर्देशन में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 2023 के जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कल दिनांक 24 दिसंबर 2023 को सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। देखिए रिपोर्ट। सभी को बताया गया कि कोई भी अपनी बाइक में मॉडिफाइड साइलेंस ना लगाए, स्टंट ड्राइविंग ना करें, अपने वाहनों पर लाल नीली बत्ती का प्रयोग ना करें, दो पहिया वाहनों पर चलते समय सदैव हेलमेट का प्रयोग करें, चार पहिया वाहनों पर सदैव सीट बेल्ट लगानी चाहिए, वाहनों के डालों पर और ऊपर सवारी बैठने पर MV एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई, एक वाहन को सीज किया गया तथा 105 वाहनों के चालन MV एक्ट के अंतर्गत किए गए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध MV एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई। सभी वाहन चालकों को बताया गया कि यात्रा करते समय यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है। ऐसी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBN 24।